वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इट मैटर्स में। दोस्तों, कल के एनालिसिस में हमने देखा कि मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट 41,000 की लेवल क्रॉस करेगा तो आपको नीचे वाली रैली दिखाई देगी 40,750 या फिर 40,500 तक, और आज आपको ये रैली दिखाई दी और रैली ने लो दिया 40,360 का। दोस्तों, मैं आपको हमेशा कहता हूँ दोस्तों कि आप मूविंग एवरेज को पढ़िए। आप देख सकते हैं कि आज देखिए मूविंग एवरेज के नीचे जो रैली है उसमें आपको कितना ज़्यादा मुनाफा हो सकता था। पुट साइड में मार्केट में बेरिश का बहुत बड़ा ट्रेंड आया, बाद में जैसे ही उसने नीचे की तरफ 40,400 का जो आज उसने हमें ब्रेकआउट दिया है उसे टच करने के बाद ऊपर की रैली शुरू की, और उस रैली में वो 41,000 को टच नहीं कर सका इस क्योंकि वो अब हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। फिर वहाँ से मार्केट नीचे आया, तो अब दोस्तों कल मार्केट सुबह जैसे भी खुले हमें उससे कोई परवाह नहीं है। मार्केट कैसे भी खुले हमें तो सिर्फ क्या करना है कि हमें सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करना है, जैसे मैंने आपको ट्रेंड लाइन सिखाया है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को देखना है, ठीक है, मूविंग एवरेज क्या बताना है ये देखना है, और इस तरह से हमें ट्रेंड लेना है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या सिखाना है ये हमें देखना है। तो आज मैं आपको कल क्या हो सकता है मार्केट में ये बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने ब्रेकडाउन निकाल दिया है, 41,000 का ब्रेकडाउन है। अगर कल मार्केट 41,000 के इस ब्रेकडाउन को अगर मार्केट ओपन होता है, गैप ओपन हो या फिर ओपन होकर प्लस हो ऊपर की तरफ चला जाता है और इस ब्रेकडाउन को तोड़ के ऊपर चला जाता है, तो आपको मार्केट में रैली 41,300 तक पहले दिखाई दे सकती है, बाद में 41,300 और 41,400 में रेस्टिंग पीरियड है। अगर इसे क्रॉस करके मार्केट 41,500 को क्रॉस कर देगा तो आपको डायरेक्टली मार्केट 41,750 या फिर 42,000 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर मार्केट कल ब्रेकआउट 40,400 को तोड़ देता है और नीचे की तरफ जाता है तो मार्केट आपको 40,250 40,000 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों, ये था कल का एनालिसिस। अब मैं आपको वन डे में लेके चलता हूँ। वन डे में भी देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको किस तरह से, देखिए ये जो आप देख रहे हैं मूविंग एवरेज जो वन डे का है, वन डे का मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे कैंडल्स उसने बना दिया है, ठीक है, वन डे के मूविंग एवरेज के नीचे। अब मूविंग एवरेज एक ट्रेंड है, अगर यहाँ पे रेड लाइन ऊपर आती है, ब्लू लाइन नीचे आती है, तो हम यहाँ पे समझ जाएंगे कि ये एक शुरुआत हो सकती है डाउन ट्रेंड की। लेकिन अभी मार्केट ने ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ा है, जब तक मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा हमें हेविली डाउन ट्रेंड की रैली नहीं दिखाई देगी। तो हम सिर्फ वेट एंड वॉच करेंगे। कल का दिन और नेक्स्ट वीक ट्रेंड चेंज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शायद डाउन ट्रेंड की शुरुआत अगर होनी है तो इन्हीं दिनों में होनी है, कल और नेक्स्ट वीक में हमें समझ में आएगा कि ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दी है। अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी समस्या है और अगर आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम की लिंक दे दी है, वहाँ पे जाकर आप मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हो। दोस्तों इसी तरह की जानकारी और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड फ्री चैप्टर्स के से भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, हर एक चैप्टर पे जाइए, उसे देखिए, अलग अलग चैप्टर पे उसे आजमाइए, आप भी एक अच्छे तरीके से स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो दोस्तों। तो और एक बात आपसे मुझे कहनी थी दोस्तों कि मेरे जो वीडियो है पूरी तरह से देखा करिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने से आपको जो जानकारी है वो नहीं मिलती है, आप खुद उसमें अच्छे तरह से अप्लाई नहीं कर सकते अपने चार्ट्स पर, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखिए, आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ कि आज मार्केट जैसे ही गैप डाउन ओपन हुआ है, ठीक है, गैप डाउन ओपन हुआ है तो मार्केट का ये जो लेवल है ना, तो आपको आपके लिए ये लेवल हो जाता है ब्रेक डाउन आज का वन डे का 41,100 का, उसके ऊपर मार्केट फिर नहीं गया है, ठीक है, फिर नहीं गया है, और ब्रेकआउट का जो लेवल है ये है, ठीक है। अब ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट की एक बात मैं आपको इसकी खासियत बता दूँ, जब तक मार्केट उस ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को टच फिर से नहीं करेगा, जैसे कि आज मार्केट क्लोज
क्लोज हो गया यहाँ पे 40,630 पे, जब तक कल मार्केट 41,100 का ये जो ब्रेकडाउन है उसको तो टच नहीं करेगा तब तक वो ब्रेकडाउन एक्टिव है। तो हमारे लिए ये फर्स्ट ब्रेकडाउन है, उसके बाद उसे ये जो विंडो का गैप है उसे भी फील करना है। जब तक ये दोनों को फील नहीं करेगा तब तक आपको ऊपर की रैली नहीं देखने को मिलेगी। फिर ऊपर वाला तो अभी ये भी लेवल है जो 41,300 का, वहाँ पर भी एक ब्रेकडाउन एक्टिव है। तो ये एक्टिव और इनएक्टिव क्या होता है, तो जैसे मैंने कहा कि जब तक मार्केट उस लेवल को जाके उस ब्रेकडाउन को टच नहीं करता है तब तक वो ब्रेकडाउन हम एक्टिव समझेंगे, उस ब्रेकडाउन को हम कंसिडर करेंगे अपने एनालिसिस में। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिए इकट्ठा, तो आपको जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको ये काम को आ जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर इसी तरह की जानकारी से भरा हुआ वीडियो लेके हाजिर हूँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।